मजदूर आदमी कैसे भुगते हैं एमसीडी वाले क्यों ऐसा क्यों? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं MI ऑफिशियल ब्लॉग और मैं हूं मोहम्मद इरफान। दोस्तों इस वक्त मैं हूं दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे, जो कि दोस्तों इसका नाम है कापासेरा बॉर्डर। और दोस्तों अभी तुरंत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जो कि देख सकते हैं तस्वीर में आप किस तरीके से यहाँ पे बारिश का पानी लगा हुआ है। पूरे एकदम ये रोड जाम हो गया। और बाकी यहाँ के जो जनता लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या कहते हैं। देख सकते हैं ये तस्वीर, ये है कापासेरा का बॉर्डर। और ये देखिए बारिश का पानी किस तरीके से ये लगा हुआ है, ये देखिए गिरा भी आ रहा है। और ये दुकान आप देख सकते हैं, दुकान के अंदर भी बारिश का पानी चला गया है। देख सकते हैं काफी ज्यादा इसमें पानी लगा हुआ है। और ये दुकान वाले भैया क्या कहना चाहते हैं भैया दुकान के लिए? ये जो बहुत ज्यादा बारिश है, गर्मी भी बहुत हो रही थी, बढ़िया हुआ है बारिश हो गई है। अच्छा सुकून है। तो आपका क्या नुकसान हुआ दुकान के अंदर बारिश पानी चला गया? सारा अंदर कर दिया, ऊपर उठा दिया है। पर अच्छा और भी कभी ऐसा होता था? हाँ पहले भी हुआ है। पहले भी हुआ? हाँ बारिश होती है, होता है, भरता है दुकान, सबकी दुकानों में भरता है। अच्छा। पानी जी यहाँ सबकी दुकानों में पानी भरता है। अच्छा। पूरा बॉर्डर पे पानी होता है। देख सकते हैं ये तस्वीर आप किस तरीके से यहाँ पे बारिश का पानी लगा हुआ है। ये देखिए ये अंकल जी को देख सकते हैं आप, इनको अभी काफी परेशानी हो रहा है। अंकल जी स्वागत है आपको, क्या कहना चाहते हैं आप? बारिश हुआ है तो है, बारिश हुआ देख रहे हो भाई। देख सकते हैं अंकल जी का पूरा एकदम ठेवना से ज़्यादा एकदम बारिश का पानी लगा हुआ है। और ये देखिए अंकल जी अभी दुकान बढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये जो बारिश लगा है इसका दोषी कौन है, आखिर ये क्यों लग जा रहा है? क्यों ऐसा रोड बनाए हैं ढंग से? अच्छा ढंग से रोड नहीं बनाए। हाँ जी नुकसान हो गया बताइए। हाँ। मजदूर आदमी कैसे भोगते हैं ये सब? अच्छा बार बार आता है हमारे यहाँ पानी, हरियाणा वाले छोड़ देता है, कहाँ से भोगते बताए? मजदूर कैसे परेशान है, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं ये जो बारिश? हमारा अनुरोध है नाली सीवर को साफ करवाइए। इसका दोषी कौन है जो ये बारिश का पानी लगाए? MCD वाले केजरीवाल जी। ऐसा क्यों? क्योंकि सीवर नाली साफ नहीं इसीलिए पानी बढ़ता है। अच्छा ये जो यहाँ का गट्टर ये साफ नहीं है इसीलिए बढ़ जाता है सब में गटर में कचरा भरा। देख सकते हैं जनता का यही कहना है, जो कि ये बारिश का पानी लगा हुआ है यहाँ का जो गट्टर है उस गट्टर को साफ नहीं किया गया है, जाम हुआ है इसलिए यहाँ का बारिश पानी लगा हुआ है। और ये ऐसा कभी भी होता था पहले? इसके पहले हमेशा होता है यार, हमेशा जब बारिश होता है तभी बारिश होता, हमेशा होता है। अच्छा जी और देख सकते हैं यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुए हैं, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि नाली वगैरह साफ होना चाहिए था, समय से पहले नाली साफ होता नहीं है। हाँ ना अब ये जरा थोड़ा सा बारिश हुई है। हाँ। देखिए आपके सामने क्या हालत हो रखा है। अच्छा हाँ ये केजरीवाल का बिल्कुल बेकार सरकार है ये। हाँ हाँ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके आया था। अच्छा। तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दिल्ली को पैरिस बना दूंगा। नहीं पैरिस, देखिए पैरिस है क्या ये? बहुत सारे लोग कह रहे सरकार तो अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ अच्छा ये अच्छा काम कर रहे हैं? हम लोग को पानी में डुबा रहे, जरा सा पानी वाला नाली साफ है ना कुछ साफ है, ऐसा तो बारिश आ गया, घटिया सरकार है ये बिल्कुल। अच्छा सब है चाहिए। आपका क्या परेशानी हुई है बारिश आई? बारिश देख लिए सारे दुकानदार, हम लोग मजदूर आदमी है। हाँ एक एक पैदा करके कमाते हैं, अब ग्राहक ही नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ ना और जरा सा बारिश होने के बाद यही होता है, यही कहानी है हमेशा। अच्छा हाँ और क्या बोले आपको बस सरकार से? इसके पहले भी लगता था ऐसे भी लगते हैं। हाँ। पहले लगते हैं हमेशा लगते हैं ऐसे। हाँ। लेकिन सरकार ध्यान नहीं देता यहाँ पे। हाँ। यहाँ पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। देख सकते हैं सबका जनता का कहना यही है, यहाँ का जो गट्टर है इसको सही से तरीके से बनाया नहीं गया है और इसका दोषी सरकार है। देख सकते हैं ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरे बारिश का पानी लगा हुआ है और इसमें बच्चे भी ऐसे खेल रहे देख सकते हैं। और दुकान वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है, दुकान के अंदर पानी चला जा रहा है और इसका दोषी कहा जा रहा है, जो कि अंकल जी कह रहे हैं सरकार दोषी है। सरकार दोषी है बिल्कुल दोषी है। दिल्ली का सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? ये नाली साफ करवाए, नाली भरा हुआ है। अच्छा। नाली नहीं साफ करवाते हो? हाँ कभी आज तक नहीं आए, हमने देखे MCD वाले को तो भाई यहाँ पर आए और नाली साफ करवाए, कभी भी नाली साफ नहीं होता है। अब देख लीजिए आपके सामने सारा गटर भरा हुआ है, अब पानी कैसे जा रहा है? यही कहना चाहते हैं हम सरकार से कि नाली साफ करवाए और इसका सही ढंग से मतलब करवाए यहाँ पे। देख सकते हैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये है दिल्ली कापासेरा का ये तस्वीर है। आप इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से यहाँ पे पानी लगा हुआ है, सबके दुकान में पानी चला गया है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।